आज मैं बताने जा रही हूँ आपको जलजीरा, जो गर्मियों में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे शरीर को लू से बचाता है और इसे पीने से हमारे पेट ठंडे रहते हैं और हम बाहर में धूप में कहीं भी जाने से हमारे सेहत पे लू की प्रभाव नहीं पड़ती है। तो हम इसे बहुत इजीली बना सकते हैं घर में और ये पीने में बहुत स्वादिष्ट होता है। और इसे दुकान से अगर हम खरीदेंगे तो बहुत महंगा मिलता है और जो हमारे हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वो केमिकल युक्त रहता है। तो हम इसे घर में किस तरह बनाते हैं आइए आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक पैन में ये जीरा पाउडर है जिसे हम जीरा है जिसे हम इसे पाउडर बनाने के लिए इसे गर्म करेंगे। और ये मिर्च है जो स्वाद के लिए हम डाल ले रहे हैं, और ये काली मिर्च है जो थोड़े से हमारी इसको थोड़े से खट्टा मीठा तीखा बनाऊंगी जिसे इसे पीने में अच्छी लगे। हो गई ये गरम, उसके बाद गरम होने बाद हम इसे डाल लेंगे। उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए हम थोड़े से छोड़ देंगे। इसे ठंडा होने के बाद ही हम इसे पीसेंगे जिसके कारण ये बहुत अच्छी तरह से पिसा सकती है। और आपको जितना मिर्च चाहिए आप उतनी मिर्च डालें, ज़्यादा ना डालें। इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर हम छोड़ दें। अब ये ठंडा हो चुकी है, हम इसे इस तरह से इसे पीस लेंगे। ये ज़्यादा मात्रा में नहीं है जो हम इसे मिक्सी में पीसेंगे, अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। देखिए कितनी अच्छा से सूखने के बाद ये हम लोग हाथ से भी पीस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज़्यादा मात्रा में आप इसे भून रहे हैं तो आप इसे मिक्सी में पीसिए। आप इसे नमक के साथ भी बनाइए या चीनी के साथ, आपको जिस जिस चीज़ में अच्छी लगे आप उनको। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पिसा गई है। और उसके बाद ये काला नमक है और ये लाल मिर्च है, अगर आप किसी भी लाल मिर्च भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना खुद से भी आप भूज के डाल सकते हैं। इसके बाद हम दो ग्लास लेंगे, इसमें बर्फ डालेंगे जिसकी वजह से ये थोड़ी ठंडी रहेगी। थोड़ी मात्रा में हम काला नमक डालेंगे। थोड़ी मात्रा में हम इसमें शक्कर डालेंगे। थोड़ी सी ये जलजीरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है मसाला, उससे पीने में मज़ा आता है। उसके बाद हम पानी डालेंगे।
वाह देखिए सोर्स लुकिंग नाइस। इसके बाद हम और इसमें नींबू की रस डालेंगे, बहुत अच्छा लगता है इसे पीने में, और आपको लगेगा जैसे मैं पीती रहूँ और पेट ठंडा रहेगा, और आप धूप में आसानी से बाहर जाएंगे, आपको उसमें कोई इसमें लू की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी इसमें पत्ते डाल देंगे पुदीने के लिए फ्लेवर, हमारा जलजीरा तैयार है। देखिए सोशम, अब हम इसे पी सकते हैं और अपने घर में दोस्तों को पिला सकते हैं। बहुत अच्छा ये ड्रिंक है जो गेस्ट के लिए, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा, ठीक है। हमारा चैनल इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।